तुम्हार जब ये आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों मेरी बीवी बनाया, क्यों जबरदस्ती मुझे राजी किया आपने? और अब जबकि मैं दिल से इसे अपना चुका हूं तो आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? बकवास बंद करो। क्या करेंगी आप? मैं नुमान से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें कि जब भी मैं चाची जान से बात कर रही हूं तो वो बीच में कुछ ना कहें, चाहे उनका लहजा कितना भी तल्ख क्यों ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। लेकिन मुझे चेक कैसे मिल सकते हैं? ये प्रॉपर्टी तो अव्वल तो ये कि आपके पहले से काफी बकाया जाते हैं जो आपको मिलते रहेंगे, और दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी नुमान के नाम हो या आपके नाम हो, जिम्मेदारी तो आप लोग मेरी है ना। काफी दिनों से गौर कर रहा हूं कि जब से नुमान की शादी हुई है तुम अकड़ी अकड़ी से रहने लगी हो। पागल जो हूं मैं? तुम्हारा मुझे नहीं पता कि तुम पागल होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। यार नायला, खुदा के वास्ते क्यों मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ रही हो? मैं जितना अम्माजान के साथ और भाभी के साथ नरम रवैये से पेश आ रहा हूं, बहुत पोलाइट रह के उनसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? उसके बरक्स हर जगह पे तुम उनसे उलझने की कोशिश कर रही हो। इज दिस द राइट वे? मासूमा रुमान से भी तुम्हारी नहीं बन रही, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? ये शादी तुमसे मैंने पूछ के की थी या नहीं, हाँ या ना? और एक बात तुम अच्छी तरह जानती हो, इस शादी से अगर फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को हुआ है। अगर तुम मासूमा से इतना ही मुतनफ्फिर थी, मुझे पहले बता देना था, मैं मना कर देता शादी के लिए। भाड़ में गई ये दौलत, ये पैसा किसके लिए कर रहा हूं मैं? सब तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। आपको सिर्फ मेरे अंदर कीड़े नजर आ रहे हैं, नुमान को नहीं देख रहे आप किस तरह से बदतमीजी करता है मेरे साथ? मौका कौन देता है इस चीज का? तुम ही देती हो ना मौका। उस दिन मैंने खुद देखा था, वो बाहर जा रहा था, तुम उसके पर भरम हो गई। और ये भी नहीं देखा तुमने कि अम्मा और भाभी सामने खड़ी हुई हैं, थोड़ा सा लिहाज कर लूं, बर्दाश्त तो है ही नहीं तुमने। अगर इतनी ज्यादा शिकायत थी तो कमरे में आके मेरे सामने भड़ास निकाल लेती, ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आपके पास जायदाद के कागजात आ चुके हैं तो अब तक क्यों उनके सामने बीगी बिली बने आप? ये बात तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगी नाला, सिर्फ एक पेपर साइन करा लेने से जायदाद नहीं मिल जाती, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। अभी तो सिर्फ एक मसला था जिसके बिना पर भाभी से मैंने साइन करवा ली थी एक पेपर पर, लेकिन इससे प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं होगी। भाभी को मुझे कोर्ट लेके जाना होगा, भाभी और बच्चे जज साहब के सामने पेश होंगे, इन सबके सिग्नेचर्स होंगे पेपर पे, वो पेपर्स कोर्ट में जमा होंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी, और इस सारे प्रोसीजर में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, और उस वक्त तक मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। और मेरा ख्याल तो ये कि मैं बन ही नहीं सकता, कि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये खासी समझदार थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उसको, और मैं हूं आपके साथ नीलम। जब से भाभी जान आई है उसका रवैया बिल्कुल बदल गया, इन लोगों से तो नफरत करती ही है, बाकी सबसे भी उलझती रहती है। क्या बात है बाबा, आज न्यूज़ देखी जा रही है?
न्यूज़ कौन देख रहा है यार, बस ऐसे चैनल्स को सर्च कर रहा हूँ। वैसे ही आजकल इंसान की ज़िंदगी में इतनी टेंशन हैं, न्यूज़ चैनल कौन देखेगा। तभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप कभी न्यूज़ नहीं देखते और आज फिर ये न्यूज़ चैनल। ये बताओ जॉब कैसी चल रही तुम्हारी। जी माशाल्लाह अच्छी जा रही है जॉब। और हाँ, वो मुझे याद आया तुम्हारी दादी का जो है वो रूटीन चेकअप होना है। जी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेना। जी मैं ले लूँगा और दादी जान को ले जाऊँगा। हाँ मुमना का एडमिशन का क्या हुआ। जी उसका एडमिशन हो गया और बहुत जल्द उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। माशाल्लाह। वैसे बाबा बहुत ही टफ कंपटीशन था और उसने बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किया। एक भाईजान की औलाद है, हर चीज में ताक। और एक मेरी बेटी है, ना घर के कामों में दिलचस्पी ना पढ़ाई में इंटरेस्ट, पता नहीं क्या चाहती है जिंदगी से ये लड़की। आप लोगों के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। मैंने खुद तुम्हें लड़के के साथ देखा है, बताओ कौन है वो। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं वहां नहीं थी तो मैं क्यों मानूं? क्या हो रहा है, किस बात पे बहस हो रही है? बाबा मैंने इसे लड़के के साथ देखा है, अब ये मना कर रही है। लड़के के साथ? हाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर। सारा क्या कह रही है? बाबा भाई को कोई गलत फहमी हुई है, मैं रेस्टोरेंट कैसे जा सकती हूँ? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने खुद इसे देखा है। जब मैं इसे देखने गया तो ये छुप गई मुझसे। नहीं बाबा नहीं, आप मुझसे कसम ले रहे हैं, मैं वहां थी ही नहीं। हो सकता है मेरी जैसी कोई और लड़की हो। सिर्फ एक बात का जवाब दो, आज तुम घर में थी या घर से बाहर? मैं वो निदा के साथ गई थी, मामा को भी बता के गई थी, निदा खुद मुझे लेने आई थी। कहाँ गई थी उसके साथ? वो उसकी शादी हो रही है ना, तो शॉपिंग के लिए गई थी उसके साथ। आइंदा जब कभी भी घर से बाहर जाना हो तो मुझे बताना, रफीक के साथ भेज दूंगा तुम्हें। जी Get lost. बाबा इस पर आपको सख्ती करना होगी, मैंने खुद इसे देखा और ये अब झूठ बोल रही है। मैं कहते तुम ठीक हो, करता हूं इसकी मां से बात। मामा से क्या बात करेंगे, उन्हें मेरे और मासूमा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनकी नजर बस हम पर है। मैं पूछता हूं कि अगर उन्हें मासूमा से इतनी प्रॉब्लम थी तो मेरी शादी क्यों करवाई, क्यों मुझे जबरदस्ती राजी किया? अब जबकि मैं उसे बीवी के तौर पर कबूल कर चुका हूं, हम आपस में खुश हैं, अब पता नहीं क्यों मामा को प्रॉब्लम हो रही है। बुरा नहीं मानना, तुम्हारी माँ जरा जज्बाती है, अकल से कम दिल से ज्यादा काम लेती है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है, सिर्फ जबान चलाती है। बाबा जबान की हद भी कबूल है मुझे, मगर अब तो उन्होंने हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या कहा, हाथ का इस्तेमाल किस पे? मुझ पर। आज जरा सी बात पर उन्होंने मासूमा के सामने मुझे थप्पड़ मारा है। नाला ने तो बचपने में भी कभी तुम लोगों पे हाथ नहीं उठाया। यही सोच के तो मैं परेशान हूं, मासूमा की नफरत में वो इतना आगे जा चुकी है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए मुझे जलील कर दिया।
सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ना टीचर बनना चाहिए, तुम इतना अच्छा समझाते हो कि बस। वैसे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। शुक्र है कुछ तो समझ आ गया तुम्हें। कुछ? मैं तो कह रही हूँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब खैर ऐसी भी बात नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन हाँ जितना मैं समझा रहा हूँ उतना तो समझ आ गया ना। मगर इससे पहले तो मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। अरे तुमने नहीं, मैंने पूछा था, इनफैक्ट समझाया भी था। क्या एकदम भूल गई तुम? तुम बोलना क्या चाह रहे हो? जाओ जाओ जाके सो जाओ, इतनी रात हो गई है, जाओ। ये क्या बात हुई? अरे ताईजान देखे ना कितनी बेमुरूवत है ये, इतनी देर से समझा रहा हूँ, एक कप इसने चाय भी नहीं पूछी मुझसे। इतनी रात को भी कोई भला चाय पीता है? जाओ जाके सो जाओ। मोमना बुरी बात, वो बेचारा इतनी देर से तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम उसे बदतमीजी कर रही हो। अपना काम निकल गया तो उसे कह रही जाओ। अम्मी ये सिर्फ आपके सामने इस तरह से बोल रहे हैं, वरना ये रात को चाय नहीं पीता। अरे अरे जाओ, तुम भी क्या याद करोगी, माफ किया। वैसे ताईजान मैं रात को चाय नहीं पीता। मैं चलता हूँ ताईजान, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक। मोना बुरी बात है, ऐसे नहीं बात करते। एक तो वो तुम्हें पढ़ा रहे। अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी, मैं छेड़ रही थी, आप खामखा सीरियस हो जाती हैं। वो भी मुझे इतना तंग करता है, आपको क्या पता दादी जान से पूछेगा कभी। अच्छे जॉब, तुम भी जाके आराम करो। क्या सोना नहीं आज आपको? क्या खाक सोऊंगा मैं, मेरी नींदें हराम करके रख दी तुमने। अब क्या कर दिया मैंने? सॉरी हदें पार कर चुकी हो तुम नायला। वासिफ मुझे नींद आ रही है और इस वक्त मैं आपका लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। हर थोड़ी देर बाद आ जाते कुछ ना कुछ सुनाने के लिए। वाकई सुबह बहुत सुहाना मौसम होता है। तो क्या वाकई इससे पहले कभी सुबह नहीं उठे? उठा हूँ मगर वॉक करने जाता हूँ और उसके बाद वापस सो जाता हूँ। लो फिर सुबह उठने का फायदा क्या? सुबह उठने का फायदा तो तब होता ना जब आप उठते, नमाज पढ़ते, फिर वॉक पे चले जाते और आने के बाद नाश्ता कर लेते और फिर डायरेक्ट ऑफिस। मगर इतनी सुबह दफ्तर कौन आता है? तो जब आप खुद जल्दी जाएंगे तो आपका स्टाफ भी जल्दी आएगा। आप एक काम करें, एक रूटीन बनाएं, सबको बता दें कि इसी टाइम पे आना है और जो उस टाइम पे ना आए उसकी तनख्वाह कटेगी। फिर आप देखिएगा जब आप जल्दी जाएंगे ना तो काम भी ज्यादा होगा और काम में बरकत भी होगी। इसका मतलब है आप बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट संभाल सकती हैं। ये सारी बातें मुझे मेरे बाबा ने बताई हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते थे, सुबह जल्दी काम पे चले जाया करते। और ऐसा करने से उनकी कंपनी में प्रोडक्शन भी बढ़ गई और काम भी निजाम से चलने लगा।
बात तो घुर गई है, सीखनी पड़ेगी आपसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जीते रहो बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो तुम दोनों सुबह सवेरे ही उठ गए। और दादी जान, इन्होंने तो आज नमाज भी पढ़ी है सुबह उठ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। दादी जान, आपकी पोती पूरी उस्तानी है, दिन रात मुझे पढ़ाती रहती है। अरे बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए तो कहती होगी ना। वैसे मासूमा, मेरे पोते को ज्यादा तंग ना करना, आहिस्ता आहिस्ता सबको समझाना, समझ गई? जी दादी। अच्छा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आप लोग आ जाएं। नाश्ता? हाँ चलो नाश्ता लगा दो, जरा अच्छा सा बनाना बेटे। जी। वासिफ, नाश्ता लग चुका है, आइए। नहीं करना मुझे नाश्ता। क्या प्रॉब्लम है, आप बताते क्यों नहीं? तुम्हें बताने से फायदा? मेरी किसी बात का असर होता है तुम पे? मेरा मशवरा, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरी नसीहत किसी 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 बात की इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी नजर में मेरी? तो कल सुन तो ली थी आपकी बात और समझ भी गई थी, फिर रात ही रात में ऐसा क्या हो गया कि फिर से गुस्सा आ गया आपको? तुमने नुमान पे हाथ उठाया? अच्छा, तो ये बात है, भतीजी ने कान भर दिए, जब ही तो रात को कमरे से गायब थे। ये लो, फिर शुरू हो गए। सोचे समझे बगैर बोलने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? खुद ही अपने दिमाग से अंदाजे लगाती हो, फिर बोलना शुरू कर देती हो। हर इंसान बेचारी मासूमा पे, नुमान को भी शायद इसलिए बुरा लगा कि उसका शौहर है। तो फिर नुमान ने बताई होगी आपको ये बात? किसी ने भी बताई हो? लेकिन तुम अपनी हरकतों पे गौर करो यार, ये सोचे समझे बगैर बोलना शुरू हो जाती है। तुम अपनी तरफ से अंदाजे लगाती हो, शुरू हो जाती हो हर इल्जाम मासूमा पे। और नुमान को भी शायद इसलिए गुस्सा आता है कि उसकी वो बीवी है, तुमने उसकी बीवी के सामने उस पे हाथ उठाया। Is it fair? हाँ, ये गलती हुई मुझसे, तभी तो कल सारा दिन कमरा बंद किए पड़ी रही, ना कुछ खाया गया और ना कुछ पिया गया। मैंने आज तक अपने बच्चे को कभी फूल की चड़ी से भी नहीं मारा, फिर पता नहीं कल क्या हो गया था मुझे, कैसे मेरा हाथ उठ गया। प्लीज लाला, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम कल से भूखी हो, तुमने मुझे बताया नहीं। आपको डांटने से फुर्सत मिलती तो बताती ना। अच्छा, गलती हो गई ना। अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट भी नहीं है। नो फिल, ये मेरी यूनिवर्सिटी है और तुम अंदर कॉरिडोर तक आ गए हो, जाओ। यार खैर, इट्स ओके, मेरी मेरी एटलीस्ट बात तो सुन लो, एक मिनट सिर्फ। थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। अच्छा वेलकम, सिर्फ एक बात है। वैसे थैंक्स किस लिए? बातें तो बहुत सी, मगर अभी मुझे यहाँ से ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं लंच टाइम में आऊंगा, तुम्हें पिक करूंगा और तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, प्लीज। तुम पागल हो? तुम इतनी दूर से आओगे, मुझे यहाँ से पिक करके ड्रॉप करोगे, फिर वापस जाओगे इतनी दूर, तुम्हारा लंच टाइम खराब हो जाएगा। कुछ नहीं खराब होगा, तुम प्लीज समझो ना। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत है, और वैसे भी इसी तरह तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारने को मिल जाएगा। नौफल, हम एक ही घर में रहते हैं, तुम शायद भूल रहे हो। मगर साथ रहते हुए भी हम लोग साथ में हैं। मुझे देर हो रही है, हम बाद में बात करेंगे। देर तो वाकई बहुत हो गई है मुझे कहते कहते, पर तुम समझ ही नहीं। प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो। नौफल प्लीज, देखो ये मेरी यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
हम यहाँ पे इस तरह से बात नहीं कर सकते। हम बाद में बात कर लेंगे, अभी अभी मुझे जाने दो और खुद भी जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दे दो, क्या जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ वो सच्चा होगा? मुझे भी बता, बात तो सुन लो। मैं उसकी माँ हूं और आप एक गैर औरत से ये कह रहे थे कि वो मेरी बच्ची की तरबियत करे। नायला, सारा अब हमारे काबू में नहीं आएगी। दिन में कैसे निकल सकती हूँ, इतने सारे लोग हैं घर में, कोई ना कोई देख लेगा, छुप के आना भी पॉसिबल। शाजिया,